दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट माई छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट. एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसी है कि मैं रोज सुबह 12 बजे ऑफिस चले जाता हूँ एंड रात में 9 बजे घर वापस आता हूँ. घर आने के बाद आपका भाई जिम चला जाता है, जिम से आता है, खाना वाना खाता है, खाना खाकर रात में 3 बजे तक अपनी रातें अपने दोस्तों के साथ भर के काली कर, और इतना सब कुछ करने के बाद भैया डेली ब्लॉगिंग भी करना चाहता. तो भैया ऐसे कैसे चलेगा आप खुद बताओ. तो मैंने ये डिसाइड करा है और ये एक्सपेरिमेंट और एक ट्राई लेगा कि मैं रोज़ सुबह उठकर ब्लॉग करने की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि जब मैं डेली ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो जाए. क्योंकि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ सुबह 6 बजे 6:30 बजे तो मेरे पास पूरे 5 घंटे हैं जिसमें मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ. सो दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट माई छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, इस टाइम सुबह 6:30 बज रहा है और आजकल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. आप काम ज़्यादा कर लेते हो, आपको बहुत सारे कामों से फ्री हो जाते हो जो आप नहीं कर पाते अगर आप लेट उठते हो. तो एक मुझे फ़ायदा हुआ और इस चीज़ का मैंने पर्सनली पूरे एक्सपीरियंस करा. एंड सेकेंड चीज़ के अभी मैं ब्लोअर पहना हूँ इस वजह से यार, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं. एंड ग्लास हो गया कि सनग्लास लगाए हुए धूप तो हो नहीं रही. ज़रूरी नहीं है कि सनग्लास इसलिए लगाया जाए कि धूप. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्लैक कमांडो साहब ने देखा होगा जब ब्लैक कमांडो जाते हैं गाड़ी पर तो वो ब्लैक ग्लास क्यों लगाते हैं. उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो किसी को भी देख रहे हो तो सामने वाले को पता नहीं चले उनकी नज़र किसी को पड़े. लेकिन आपके भाई ने ग्लास इसलिए नहीं लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि अभी अभी सोकर बैठे हैं तो आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि मैं रात में जल्दी सोऊँ, सुबह जल्दी उठ जाऊँ अगर, तो मैं घर वालों को भी टाइम दे सकता हूँ, डेली ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ और मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा. वाह व्हाट अ थैंक यू. कम से कम 3 साल बाद सुबह उठकर VIP आ रहा है. मतलब सुबह उठते हैं लेकिन VIP नहीं आते. और इस टाइम यहाँ पे वेदर इतना ज़बरदस्त हो रहा है, सोचा था बारिश हो रही होगी तो भीगते हुए आज ब्लॉग करेंगे, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र अभी पानी नहीं गिरा क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है ना खा रहा. ये अल्टीमेट व्यू हो रहा है यार. bewakoof.com मैंने टी शर्ट मंगाई bewakoof.com से. मैं इसके बारे में वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं घर में आया और अम्मी ने मुझसे कहा बेटा तुम्हारा कुछ पार्सल आए, तो मैंने जब इसे उठाया इसकी पैकिंग देख के गाइस मेरा दिल खुश हो गया. 260-270 रुपये में, अभी नहीं मालूम क्या प्राइस है लेकिन उस टाइम सेल चल रही थी, 260-270 रुपये में आप कस्टमर को ऐसी पैकिंग के साथ एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी बात है. एंड ये अप्रिशिएट करने वाली बात है इस ब्रांड के लिए. क्यों? क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप कस्टमर को जितना ज़्यादा हैप्पी करोगे, जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करोगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा. लेकिन वो एक नेक्स्ट चीज़ है. लेकिन इस प्राइस रेंज में नो डाउट कि क्या पैकिंग करके दी है. अभी तक मैंने टी शर्ट ओपन करके नहीं देखी, मैंने बहुत सारे इसके कलर्स मंगाए एंड मैं टी शर्ट अब ओपन करके देख रहा हूँ. एंड नो डाउट कि टी शर्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड कलर तो भाई की चॉइस है तो सेक्सी हो गई. एंड एक चीज़ हुआ है इसमें bewakoof.com. एंड अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो साइट पे. इट्स रियली वर्क गाइस, मैंने लिटरली खुद फील करा ये सच्ची में काम करता है. एंड 8:45 तक आधा ब्लॉग कंप्लीट हो गया, घर के ऑलमोस्ट सारे से सारा काम हो गए और बड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरनली बहुत अच्छा लग रहा है. तो आप लोग भी ट्राई करो सुबह जल्दी उठने के लिए. खैर जब टी शर्ट ओपन कर लिए तो फोटोशूट भी कर लिया जाए ना यार, क्योंकि इंस्टाग्राम भी ज़रूरी है यू नो गाइस. अभी हम आए थे यहाँ पे फोटोशूट कराने और टिकटॉक बनाने सुबह सुबह. एंड टिकटॉक बन गई है, फोटोशूट हो गया है, लेकिन लोकेशन बहुत अल्टीमेट है और ये लोकेशन है छोटे तालाब के पास. ये पूरा छोटा तालाब दिया हुआ है और इसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. अगर आप इसे गूगल पर सर्च करोगे छोटे तालाब के बारे में तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इसके बारे में जानने को मिलेगी, जो कि अपन को कन्फर्म नहीं मालूम इसलिए अपन कैमरे के सामने नहीं बताएंगे. हाँ अगर पढ़ के कुछ समझ में आया, वैसे समझ में नहीं आता लेकिन अगर समझ में आया तो डेफिनेटली बताएंगे. लेकिन लिटरली यार बहुत इन्जॉय करा. बॉबी भाई कैसा लगा आज आपको? आज हमारे साथ बॉबी भाई थे और भाई का नाम जे भाई. सो इट वॉज जस्ट माई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट जो मैंने
करा और जो लिटरली इसने रियली ऐसा मुझे फील हुआ कि ये डेफिनेटली काम करेगा इन फ्यूचर की. जब से मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. मतलब मुझे अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है या मुझे अपने दूसरे काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर ब्लॉगिंग एंड अदर स्टफ फॉर सोशल मीडिया लाइक इंस्टा एंड टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह. तो सीरियसली आप अर्ली मॉर्निंग उठो, आप अपने काम करो. इफ़ यू वॉन्ट टू डू ब्लॉग या सम मैक सम टिकटॉक्स इस टाइप की आप कुछ भी चीज़ें करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नीड नहीं है कि अपनी जॉब छोड़ो या अपनी स्टडी छोड़ो. आप इन सारी चीज़ों के अंदर कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू मैनेज योर टाइम. तो लिटरली गाइस सीरियसली इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ और यह मेरा छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट था जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए लिटरली काम करेगा इन फ्यूचर. फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मैंने एक चीज़ फील करी अकॉर्डिंग टू माई लाइफ कि मैं जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ ना तो मेरे लिए पैसे से ज़्यादा पता नहीं, मुझे पहले पैसे की अहमियत ज़्यादा लगती थी. लेकिन डेफिनेटली कि यार हर इंसान को पैसे की अहमियत लगती है और मुझे भी लगती है. लेकिन नाउ एंड देन कि आजकल मुझे पैसे से ज़्यादा है ना टाइम की कीमत लगती है कि यार टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू हैव टाइम तो यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ. अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुमने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया तो आपको कुछ नहीं बचा करने के लिए और जो पैसा है वो भी बर्बाद होना ही होना है एंड ऑफ द डे. तो फर्स्ट थिंग इसके टाइम को अच्छे से मैनेज करो और फिर सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग करो. और आप लोग के अकॉर्डिंग क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसा या टाइम, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. आई वॉन्ट टू नो. ओके गाइस आई एम रियली सो सॉरी इस टाइम 6:30 बज रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला लेकिन आप बोल रहा हूँ मेरी आंखें बहुत ज़्यादा है, आपको नींद में स्लीपी हो रही होगी क्योंकि अभी 6:30 बज रहे हैं जिस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ. तो आंखों में भी बहुत ज़्यादा नींद हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूँ. एनीवे गाइस अगर वीडियो आप लोग ने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, वीडियो को लाइक कर दो और अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर.